चार साल से हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन सरकार आज तक रेस्पॉन्स नहीं की। ये एक कठिन समस्या है। नेशनल पेंशन सिस्टम रद्द कराने का संकल्प हमारा एनजेसीए लिए और 34 लाख केंद्र कर्मचारियों को मोबिलाइज करके महासंग्राम करने के लिए हम तैयारी करना पड़ेगा। कारण क्या है? एनडीए सरकार ऑर्डिनेंस माध्यम से कर्मचारियों का गला काटी, नया पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाई। जनवरी 2004 से जो हमारा बहन भाई लोग, युवा बहन भाई लोग केंद्र में, रेलवे में, डिफेंस में, पोस्टल में, इनकम टैक्स में नौकरी दिया है, वो बहन भाई लोग को आज गारंटीड पेंशन में है। जब रिटायरमेंट के बाद में वो परिवार रोड पे भिक्षाटन करने का परिस्थिति सरकार लाई। ये एनपीएस को रद्द कराने के लिए आज का 13 मार्च ये डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लेने के लिए आए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे विश्वास है और भी मुख्यत रूप में करेंगे। आज 13 मार्च भारत में हर जगह, हर स्टेट में, हर जिला में, हर मंडल में, हर कार्यालय के सामने डेमोन्स्ट्रेशन धरना चल रहा है। वही क्रम में दिल्ली में जंतर मंतर में डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम से सरकार को वार्निंग देने के लिए हम आए। ये पेंशन का एक चरित्र है। पेंशन कर्मचारी का जन्म हक थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस चंद्राचूड़ का जजमेंट है, नकारा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिक्लेयर किए पेंशन भिक्षा नहीं, दान न है, पेंशन कर्मचारियों का जन्म हक है। जब सुपरान्युएशन में रिटायरमेंट के बाद में वृद्धा अपने कर्मचारी परिवार को सामाजिक रक्षा देने के लिए ये पेंशन डिफाइंड लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम हम लाए थे वो खत्म कर दिया सरकार। और हमारा एजेंडा है एनपीएस को खत्म करना, एनपीएस को भगाना, पुराना लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम को फिर रिस्टोर कराना, ये हमारा एजेंडा है। मैं ये संदर्भ में सारे बहन भाई लोग को अभिनंदन करते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लिएगा। आपको मालूम है नेशनल पेंशन सिस्टम की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, और आपको मालूम है एनजेसीए का कमिटमेंट और हमारा ये मूवमेंट, ये संघर्ष आगे बढ़ाने के लिए हम सारे लोग मिलकर चलना पड़ेगा। एजेंडा इम्पोर्टेंट नहीं है, एजेंडा इम्पोर्टेंट है। एजेंडा यही है नया पेंशन स्कीम को रद्द कराना, नया पेंशन स्कीम रद्द कराना। ताली बजाओ, नया पेंशन स्कीम को रद्द कराना, नया पेंशन को भगाने का हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हम फैक्ट्री करने को तैयार रहना। देर को जाना ब्रेकिंग सर्विस हो सकती, 14 तो आएंगे लेकिन फेस करने के लिए तैयारी करना। कारण क्या है? ये एक व्यक्ति का स्वार्थ के लिए नहीं, जो हमारा हक था वो हक को खत्म कर दिया सरकार 2004 जनवरी में खत्म हो गई। ये
नया पेंशन स्कीम को रद्द कराने का बाध्यता एनजेसीए नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के लिए, मैं इसमें मैं भी हूँ, शिवगोपाल जी है, पाठक जी है, कुट्टी जी है, श्रीनिवासन जी है, श्री कुमार जी है, हम सारे लोग एक ही एजेंडा, एनपीएस मस्ट गो को रद्द कराना। अगले कार्यक्रम चलाने के लिए मैं